आपका प्रश्न है, मैं त्राटक करता हूँ, 5 से 10 मिनट प्राणायाम करता हूँ, शिव मंत्र और नारायण मंत्र का जाप रोज सुबह शाम करता हूँ। लगभग 5 से 6 वर्ष हो गए, बस त्राटक अभी 1 महीने पहले ही शुरू किया था। मुझे कभी बहुत शांति एकाग्रता महसूस होती है तो कभी सिर दर्द और क्रोध, चिड़चिड़ापन, बेचैनी बढ़ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता क्या कारण है। आप शिव मंत्र करते हैं, नारायण मंत्र करते हैं, जिसका जाप आप सुबह शाम करते हैं, और 5 से 6 वर्षों से आप इसी प्रक्रिया को कर रहे हैं। अब शिव मंत्र आपने बताया कर रहे हैं और नारायण मंत्र कर रहे हैं, तो सिर्फ शिव मंत्र बताने से या नारायण मंत्र बताने से ये मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं। लेकिन जब मिलेंगे इस बात पे तभी चर्चा हो पाएगी कि कौन से मंत्र को किस प्रकार से आपने उठाया कर रहे हैं। वो तभी चर्चा हो पाएगी जब आप मेरे को पूरा मंत्र बताएंगी और उसको करने का विधान पूरा बताएंगे, कहाँ से मिला, वो सारी चीज़ उस पर निर्भर करती है। मैं त्राटक पर आता हूँ, आप 5 से 10 मिनट त्राटक करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं 10 मिनट, जो आपको शांति और एकाग्रता महसूस होती है, और कभी चिड़चिड़ापन, कभी बेचैनी सी हो जाती है, इसका मूल कारण भीतर ही होता है। जब हम त्राटक करना शुरू करते हैं, त्राटक करने से पहले और बाद में कई सारे अनगिनत विचारों की संख्या रहती है। जब हम किसी बिंदु पर त्राटक करते हैं या मोमबत्ती की लौ पे करते हैं या किसी भी चीज़ पे त्राटक करते हैं, तो शुरू शुरू में उन विचारों की संख्या, जब त्राटक कर रहे हैं, त्राटक से उठाने के लिए या त्राटक न करने देने के लिए प्रयासरत रहती है। वो ऐसे प्रयासरत रहती है कि जैसे ही आप बैठना शुरू करेंगे, आपकी दृष्टि का बिंदु वो त्राटक का केंद्र न होके बार बार कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा, रुकेगा नहीं। और जब रुकेगा नहीं तो ये सीधा सीधा संकेत है कि मन की गति कितनी ज़्यादा है। मन का आँखों से बहुत गहरा संबंध है। जैसे जैसे मन भागना बंद करेगा, मन में विचारों की संख्या होना धीरे धीरे कम होना शुरू होगी, वैसे वैसे आँखों की स्थिरता उस केंद्र पे, उस बिंदु पे बढ़ने लगेगी और उसका समय भी बढ़ने लगेगा। लेकिन ये कुछ समय के लिए रहेगा। जैसे जैसे आप उस समय को बढ़ाएंगे, त्राटक में बैठने के समय को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपकी एकाग्रता का समय भी बढ़ता रहेगा। एकाग्रता का समय जैसे जैसे बढ़ेगा, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में विचारों की संख्या उतने उतने समय कम रहेगी। जितनी देर आपके मन में विचारों की संख्या कम रहेगी, उतना आपका मन, मस्तिष्क, चित्त शांत रहा, और जितनी देर वो शांत रहा, उतनी देर आपके मस्तिष्क ने, आपके मन ने शांति महसूस करी, एकाग्रता महसूस करी। क्योंकि अब विचार नहीं है, विचारों से संबंधित विषय वासनाएं भी नहीं हैं। अब सिर्फ आप और
वो बिंदु है जिस पर त्राटक किया जा रहा है। ये कुछ समय के बाद ये स्थिति आती है, किसी को जल्दी आ जाएगी, किसी को थोड़ा समय लगेगा। अब जब ये स्थिति होने लगती है तो जब तक आप त्राटक कर रहे हैं तब तक तो स्थिति बनी रहती है, लेकिन धीरे 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 इस विधि को करना या किसी भी विधि को करना एक आदत बन जाता है कि हम बैठने लगे, हम करने लगे, जितनी देर हम बैठे उतनी देर हम एकाग्र हुए, फिर वापस वैसे ही विचारों का आना जाना शुरू हो गया। तो इसमें बहुत गहरे में, बहुत भीतरी चित्त की अवस्थाओं में ये हलचल का होना स्वाभाविक है कि जिस चीज़ को हमने त्राटक से पहले झेला और त्राटक के बाद झेल रहे हैं वो सेम चीज़ ही है। त्राटक करते हुए जिस शांति का आभास हो रहा था, जिस एकाग्रता का आभास हो रहा था, वो जब छूटती है त्राटक के बाद या त्राटक न होने के समय, वो उसी अवस्था की कमी है जिस अवस्था में आपका चित्त त्राटक करने की स्थिति में पहुंच रहा था। अब एक ये कारण हुआ चिड़चिड़ापन और सिरदर्द का। दूसरा ये भी कारण होता है कि जब हम साधना में होते हैं तो हमारी शक्ति उठ रही होती है। जब शक्ति उठ रही होती है तो उस शक्ति के रास्ते में आने वाले जितने भी अवरोध होते हैं वहाँ पर जोर पड़ता है। जब जोर पड़ता है तो वहाँ पे दबाव महसूस होता है और वही दबाव आपको मानसिक रूप से ये प्रदर्शित, ये आभासित कराता है कि सर दर्द हो रहा है। और ये चिड़चिड़ापन, सर दर्द होना, माइग्रेन होना, 15-15 दिन या 1-1 हफ्ता किसी को सर दर्द होना, अगर वो साधक है तो उसका कारण ये साधना भी हो सकती है। कौन सी विधि पे काम कर रहा है, ध्यान पे कर रहा है, किसी मंत्र पे कर रहा है, किसके माध्यम से कर रहा है, वो उसको देखना पड़ेगा। सरदर्द, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सारे जो ऊर्जा उठती है उससे उठने वाली जो वासनाएं हैं, जो विकार हैं, आपने सिर्फ दो तीन चीज़ों का नाम लिया, इसमें कभी कभार काम भी उठेगा, क्रोध भी उठेगा, कभी कभार ऐसा भय उत्पन्न होगा कि आप को ऐसा आभास होने लगेगा कि आप शायद ना रहो, तो एक भय भी आता है बीच में। कभी कभार इतना हिंसात्मक हो जाता है कि जानवर जैसी प्रकृति होने लगती है। कभी इतना वासनामय हो जाता है कि लगेगा कि कोई भी स्त्री सामने आ जाए मैं उसका भोग कर लूं। ये जितनी भी चीज़ें उठती हैं ये सारी विकार से संबंधित हैं। और ये अच्छा संकेत रहता है जब कभी शक्ति उठती है तो ये जितने भी विकार हैं या जितने भी संस्कार हैं उसको निकलने का मौका मिल रहा होता है और मन हमारा ये सोचता है कि हमारा शायद मन भटक रहा है, हम साधना में नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है, चाहे क्रोध की या चिड़चिड़ेपन की, बेचैनी हो, सिरदर्द हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो, या किसी प्रकार का कोई भी भाव उठ रहा है या कोई भी अनुभव हो रहा है, किसी प्रकार का विचार मन भटकाव हो रहा है, आप इसको होने दें। क्योंकि त्राटक में हम जब बाहर जाते हैं, किसी बाहरी बिंदु पे, किसी बिंदु पे हम जब एकाग्र चित्त होना चाहते हैं, तो मेरे अपने अनुभव में ये है कि हम किसी मोमबत्ती पे जब अगर हम या किसी बिंदु पे हम जब देखने का प्रयास करते हैं तो एकाग्र चित्त होने लगते हैं, तो उसमें कुछ दृश्य दिखने लगते हैं।
जब वो दृश्य दिखने लगते हैं तो वो दृश्य वो कहीं बाहर के नहीं हैं, वो हमारे भीतर के ही दृश्य हैं, भीतर की ही चीज़ें हैं जो बाहर हमें प्रोजेक्ट कर रही हैं उस लॉ पे, उस बिंदु पे। और हमको ये आभास होता है कि उसमें कुछ दिख रहा है। वो धीरे धीरे जब आप त्राटक के अभ्यास को और बढ़ाएंगे और जब बाहर का त्राटक छूटने लगेगा तो स्वतः आपको दिखने लगेगा कि वो जो दृश्य दिख रहे हैं या वो कोई भी अनुभव हो रहा है त्राटक के समय या त्राटक न करते समय भी, यदि उससे संबंधित है अनुभव, तो आपका ये कहना कि मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है वो आपका भीतर का जो विकार है वो निकल रहा है, उस जगह पे दबाव बन रहा है, उस सेंटर्स पे दबाव बन रहे हैं जिस वजह से वो नाड़ियाँ खुल रही हैं। उन नाड़ियों के खुलने पे जो दबाव बन रहा है, जो सालों सालों जन्मों जन्मों से दबी पड़ी हैं, जब उसमें ऊर्जा का बहाव होगा, जब खुलेंगी तो वो एक एक नाड़ी, एक एक धारा ऊर्जा के तेज को, ऊर्जा के बहाव को जब सहन करेगी, उससे उठने वाली जो वेदना है वो किसी भी रूप में हो सकती है, उसका कोई भी निश्चित रूप नहीं है, वो किसी भी अनिश्चित रूप से किसी भी प्रकार से आपके शरीर पे, आपके मन पे प्रकट हो सकती है।